Please press the bell icon to get the latest updates on Page 3 Reporter. फिल्मों में कुछ ऐसे किरदार भी होते हैं जिनके नाम हम भूल जाते हैं या फिर सिर्फ उन्हें नाम से ही याद रखते हैं, उस किरदार को निभाने वाले का नाम हम भूल जाते हैं। ऐसे ही बहुत से किरदारों का नाम है रामायण तिवारी, जिनका जन्म बिहार के पटना इलाके के मनेर में हुआ था, जो कि आज की तारीख में एक बड़ा ज़बरदस्त दर्शनीय स्थल है। ये आज़ाद हिंद फौज से जुड़े हुए थे। वो और बात है कि अक्सर फिल्मों में ये बतौर डकैत नज़र आते थे, लेकिन असल जिंदगी में आजाद हिंद फौज का हिस्सा थे। नेताजी के साथ कदम से कदम मिलाकर ये आगे बढ़े थे। इनके पोते सुजीत तिवारी ने कहा कि ये तकरीबन 30 बरस के रहे होंगे जब हिंदुस्तान को आजादी मिली थी। मुंबई में प्रभात स्टूडियो नाम के एक स्टूडियो में इन्हें जरा काम मिला। ये बतौर फिल्मों के फोटोग्राफर की हैसियत काम किया करते थे। इनकी शक्ल सूरत तो आपको याद आ गई होगी इन तस्वीरों को देखकर। जी हाँ, कई फिल्मों में इन्होंने बड़ा जबरदस्त काम किया। एक फिल्म बन रही थी मन मंदिर, जहां पर एक चरित्र अभिनेता मौजूद नहीं था, लिहाजा डायरेक्टर ने कहा कि भाई तिवारी, तुम क्यों नहीं ये छोटा सा किरदार निभाते, और तब रामायण तिवारी ने वो काम किया। ये इनकी पहली फिल्म थी। उसके बाद तो बड़ी बड़ी फिल्मों में ये नजर आए। महान डायरेक्टर बिमल रॉय और राज कपूर की फिल्मों में ये नजर आए। बिमल रॉय की फिल्म मधुमती और यहूदी को कौन भूल सकता है, और राज कपूर की फिल्म जिस देश में गंगा बहती है, कल आज और कल को कौन भूल सकता है। यहाँ तक कि राज खोसला की फिल्म मेरा साया में भी इनका जबरदस्त किरदार था। ऐसी बहुत सी फिल्मों में रामायण तिवारी ने काम किया। वो और बात है कि इनकी शक्ल देखकर हम कहते हैं कि अरे, ये तो कई फिल्मों में आए होंगे, लेकिन इनका असल नाम है रामायण तिवारी, और ये रहे पक्के बिहारी बाबू।